बलात्कार क्यों मौन है सरकार? महिला डॉक्टर पर बलात्कार क्यों मौन है सरकार? महिला डॉक्टर पर बलात्कार क्यों मौन है सरकार? एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये सफदरजंग अस्पताल में आरडीए के डॉक्टरों ने स्ट्राइक कॉल किया है। जी हाँ, बंगाल कलकत्ता में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ था उसके विरोध में हो रहा। हमारे साथ आरडीए के प्रेसिडेंट है, आज आप लोग यहाँ पे मार्च निकाल रहे हैं, क्या आगे की क्या प्रक्रिया, किस बात को लेकर स्ट्राइक? डॉक्टर बर्नी आरडीए प्रेसिडेंट सफदरजंग हॉस्पिटल। 3 दिन पहले जो कोलकाता में आजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था, एक हमारा फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर सेकंड ईयर फीमेल पल्चेस मेडिसिन का पीजी है, उनको रेप किया है और मर्डर भी किया है। स्टार्टिंग में यही बोल रहे थे, वो सुसाइड करके बंद करना कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद जब सबने बोलने लग गया उसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम में पता चला लाइक शी गॉट मल्टीपल इंजरीज, हर पूरी बॉडी रेप किया गया है। एंड इसमें 3 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी हॉस्पिटल के अंदर, एक सेमिनार हॉल के अंदर। लोग दो जगह पे हमारा सेफ्टी फील करते हैं, एक तो हमारे घर पे और दूसरी हमारा वर्क प्लेस पे। अगर वर्क प्लेस पे अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, कहाँ एक्सपेक्ट करेंगे हम सेफ्टी नहीं। वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ये सारे डिमांड्स बोल रहे हैं हम, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए और ये जो प्रिंसिपल वहाँ का है उसको हटाना है, लेकिन उनका डिमांड्स है कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब वो मान नहीं रहे वहाँ का, वेस्ट बंगाल का। तो आपके स्ट्राइक से हॉस्पिटल को किस तरह का प्रभाव है? ओपीडी, इमरजेंसी, जो यहाँ पे इलाज है डॉक्टरों को, वो कैसे प्रभावित हो रहा है? यहाँ पे हम आज सिर्फ इलेक्टिव ओटीज, ओपीडी एंड वार्ड बंद कर रहे हैं। इन द सेंस हम नहीं जा रहे, रेसिडेंट डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं, बाकी कंसल्टेंट्स सब जा रहे हैं वहाँ पे, बैठ के ओपीडी देख रहे हैं। जो सर्विसेस है वो एज यूजुअल चल रहा है। स्ट्राइक आपका ये कब तक चलने वाला है आप लोगों का? हाँ, ये आज हम शुरू कर रहे हैं, जब तक वहाँ पे उनका डिमांड और हमने सारे आरडीए मिलके जो डिसाइड किया था, वो जो जितने भी डिमांड्स है वो अगर मान रहे हैं तो देन वी विल डिसाइड फॉर क्या करना है करके हम सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी स्ट्राइक कब तक चलेगी ये फैसला नहीं है। ये सारे डॉक्टर जो है वो आरडीए के हैं और भारी संख्या में सफदरजंग अस्पताल में ये लोग मार्च निकाल रहे हैं। सभी के हाथों में पोस्टर बहना है इस तरह के, ये लोग जस्टिस को लेकर के मांग कर रहे हैं, जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ है उसको लेकर के मांग कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो है पूरे देश में हो रहा है, दिल्ली कई कई अस्पतालों में भी हो रहा है, सफदरजंग में भी यहाँ के आरडीओ डॉक्टरों ने स्ट्राइक कॉल कर दिया है। और इनका यही कहना है कि इनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा ये लोग स्ट्राइक जारी रखेंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।